मेरा नाम है साहिबली और आप देख रहे हैं पुश टेक स्टडी। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि ये मतलब मैं भी पढ़ता हूँ तो उसी का जो टीचर जो है वो भेजे हैं तो उसका पीडीएफ बनाकर जितने भेजे हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें से मैं आपको बता दूँ तो पूरी क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगी। जो सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब शॉर्ट में इसका नाम BEEE है। तो ये पॉलिटेक्निक सिलेबस के रिलेटेड है और भी मतलब हाई स्कूल जो इंटर किए होंगे तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जनरली बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड बाहरी तरफ से आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जो मैंने ये आपके टीचर जो हमारे भेजे हैं तो वो बता रहे थे कि मतलब इससे बाहरी तरफ से नहीं पूछा जाएगा। तो बने रहना वीडियो के इन तक और उसके बाद से आपको जो न समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और मैं उसको फिर से आपको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है ये रहा स्क्रीन पर। तो ये देखिए जो क्वेश्चन है ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न बैंक है जिसको हम लोग MCQ के नाम से जानते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका ये कह रहा है यहाँ पर प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, यहाँ पर प्रतिरोध की यूनिट बताना है आपको तो ओम महो या ओम सेंटी या महो पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ओम होता है, इसका मतलब प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ओम होगा प्रतिरोध रेजिस्टेंस की इकाई। तो आपको थोड़ा शॉर्ट में दिख रहा होगा लेकिन इसी तरह है तो यहाँ पे मतलब बड़ा नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही आपका आएगा लेकिन मैं इसका पढ़ के सुनाते रहा हूँ आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे पहला हो गया रेजिस्टेंस की इकाई यूनिट क्या होती है, तो पहला बता दिए ओम होगा। अब बताना है यहाँ पे कंडक्टेंस की इकाई होती है, मतलब कंडक्टेंस मतलब चालकता की इकाई क्या होती है, तो ओम होता है, मोह होता है, ओम सेंटी मोह पर सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मोह, यहाँ पे दूसरा राइट आंसर होगा मोह सीमेंट ओम इनवर्स इसका यूनिट होता है कंडक्टेंस का, इसीलिए प्रतिरोध के ये मतलब जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पर मोह इनवर्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा कोई भी आपसे पूछे कंडक्टेंस की तो ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध हमारे धारा को बाधा डालता है और कंडक्टेंस उसकी सहायता प्रदान करता है धारा का। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्रतिरोधकता की इकाई होती है, मतलब प्रतिरोधकता की इकाई यहाँ पर क्या होती है, ओम महो ओम सेंटी महो पर सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा महो ओम सेंटीमीटर होगा, प्रतिरोधकता का इकाई जो यूनिट है ओम सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे फिर से चालकता इकाई वही बार बार पूछा जा रहा है, यहाँ पे ओम महो सेंटी यहाँ पर भी वही आंसर होगा महो, यहाँ पे भी चालकता का इकाई वही होगा जो कंडक्टेंस का होता है, मतलब दो बार यहाँ पे पूछ दिया गया है, कंडक्टेंस का ही हिंदी मतलब चालकता होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का वही आंसर होगा महो। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ये आपसे कह रहा है धारिता की इकाई क्या होती है, धारिता की इकाई आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए याद रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये फैराड होता है इसका इकाई यूनिट जो होता है धारिता का, जो फैराड होता है यूनिट इसका, तो जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा धारिता का यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ये आपसे कह रहा है प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी क्वेश्चन आपके मैं बता रहा हूँ ये पूरे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मेरे भी टीचर जो हैं वो बताए थे ये, इसलिए मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रेरकत्व की इकाई होती है, मतलब प्रेरकत्व की यूनिट क्या होती है, तो फैराड आपका वो हो गया और धारिता का ओम हो गया, रेजिस्टेंस का जूल हो गया कार्य का। तो सिंपली आपका राइट आंसर होगा बी, यहाँ पे हेनरी होगा राइट आंसर, प्रेरकत्व की इकाई जो यूनिट होती है हेनरी होती है। फिर से देखिए वही बार बार पूछा जा रहा है कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी बेस कर दिया गया है, महो होता है कि सीमेंट ओम इनवर्स, तो मैंने पहले बताया था कि इसका 3 यूनिट इस तरह बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे महो भी हो सकता है, सीमेंट भी हो सकता है और ओम इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ये आपसे कह रहा है कि पावर की इकाई क्या होती है, मतलब पावर की शक्ति की यूनिट क्या होती है, तो ये तो आपका बेसिकली है कि आपको याद रहे वाट होता है इसका यूनिट पावर का। तो यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक को क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक
और इंट्रिंसिंग के पी टाइप के एन टाइप, तो आपका राइट आंसर होगा ए। इंट्रिंसिंग का नाम इसे दिया जाता है, सुदृढ़ जालों को दूसरा नाम जो है इंट्रिंसिंग के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि यदि 3 और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं स्क्रीन पर करके आपको दिखा दे रहा हूँ, समांतर में तो 1/3 होता है और प्लस 1/6 होता है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पे जो मैं एक बार कर देता हूँ, तो इसका एलसीएम जो लेंगे आप, तो यहाँ पे आपका एलसीएम जो लेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा आपका 3, तो 1/2 होगा। तो जब 1/2 होगा तो यहाँ पे 1/r है, तो r इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 ओम बी होगा, यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर 2 ओम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपका यहाँ से ये लास्ट पेज है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैं एक बार में आपको नहीं बताऊंगा। बोरिंग थोड़ा भी महसूस मत कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ये आप पढ़ लिए तो जान लीजिए आप अपना जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन BEE का है वो कहीं से भी आप बता सकते हैं, कोई भी पूछेगा। तो यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू वायरिंग में सभी उपकरण जुड़े होते हैं किसमें, सीरीज में, पैरेलल में, तो आपका राइट आंसर पैरेलल होगा। जो घरेलू वायरिंग जो होती है उसमें हम लोग पैरेलल में हमेशा जो वायरिंग होती है तो पैरेलल में होती है। ये देखिए फिर से वही बात पूछ रहा है, 6 फेरेड 3 फेरेड को समांतर में, तो इसका भी राइट आंसर बेसिकली मैं करके पहले बता दिया था 2F होगा। जो आपको यहाँ पे फेरेड ये नहीं है कि फेरेड आपका है गया तो समांतर क्रम पूछा कैसे होगा, वही फार्मूला लगेगा जो पहले लगाए थे, तो 1/6 1/3 हल करेंगे तो 2F आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जब से ये कर 5 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी में सुने, मतलब आपको सीरीज में कैसे, मतलब लाइन बाय लाइन, इसमें आपकी धारा का मान जो नियत रह जाए वो बदलेगा नहीं, तो 5 से 5 जब जुड़ेंगे तो 25 होगा, राइट आंसर इसका 25 होगा। जब 5 प्रतिरोध जब 5 श्रेणी में जुड़े हुए तो 5 5 जोड़ेंगे तो 5 5 25 होगा, राइट आंसर डी 25 होगा, 25 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जरूर आपको कुछ कुछ गलतियाँ लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये सर ऐसा नहीं ये होगा, तो मैं उसका भी आपको बताऊंगा कि क्या कैसे क्यों हुआ है कैसे क्या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये कर रहा है 5 प्रतिरोध ओम के ये समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, ठीक है, वो श्रेणी में था, ये समांतर क्रम में जोड़ा दिया है, तो 1/5 + 1/5 तो नीचे आ जाएगा 5, तो 1 ओम यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 1/5 इस तरह जोड़ते जाएंगे, 1/5 1/5 जोड़ते जाएंगे तो नीचे का जो एलसीएम है वो नीचे का जो एलसीएम है 5 आ जाएगा और ऊपर भी 5 आ जाएगा और कट के आपका आर की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा जो क्वेश्चन नंबर 14 का है ए होगा, राइट आंसर इसका ए होगा, 1 ओम होगा, 5 ओम के जब समांतर क्रम में संयोजित होंगे तो तुल्य प्रतिरोध उतने होंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि एन ओम के एन प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ने पर तो कितना होगा, मतलब एन ओम के, मतलब एन ओम है और श्रेणी में एन प्रतिरोध जोड़ने पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो है एन ओम के एन प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये आपका श्रेणी में जोड़ने पर, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा आपको 2n होगा यहाँ पे, इसलिए 2n होगा और जोड़ते जाएंगे 2, मतलब 2n नहीं होगा, n स्क्वायर होगा, यहाँ पे n स्क्वायर होगा जो तुल्य प्रतिरोध इसका निकालेंगे n ओम के n प्रतिरोध में, इसका राइट आंसर n स्क्वायर होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ये आपसे ये कह रहा है कि 9 फेरेड और 9 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़ने पर, तो 9 9 9 81 आपका राइट आंसर ये आ जाएगा डी। जब श्रेणी में जुड़ने कह रहा है तो श्रेणी में जुड़ेंगे तो 9 बार 9 कैपेसिटर जोड़ेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा, तो राइट आंसर। यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है तो आपका यहाँ पर बेसिकली वही जो पहले क्वेश्चन यहाँ पर था 5 ओम के 5, तो वही यहाँ पे फेरेड की ओम की जगह फेरेड आ गया, लेकिन आपका क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो 9 फेरेड 9 संधारित्र समांतर में जोड़ देंगे तो 1/9 1/9 तो नीचे आ जाएगा 9, ऊपर भी आ जाएगा 9, तो 1 फेरेड इसका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका ये कह रहा है कि एन फेरेड के एन कैपेसिटर, देखिए फिर वही बात आ गया, एन फेरेड के एन कैपेसिटर श्रेणी में जोड़ने पर तो वही आपका आंसर आएगा एन स्क्वायर, इसका राइट आंसर आएगा डी जो आपको दिख रहा होगा डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, एन फेरेड हो जाएगा यहाँ पे,
श्रेणी में एन फेरेट को एन जोड़ने पर तो एन फेरेट आएगा आपका राइट आंसर। अब यही आपको कुछ समांतर क्रम में जोड़ दिया था, इसका आपका एन स्क्वायर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, जब एन फेरेट के एन कैपेसिटर समांतर में जोड़ने पर तुल्य धारिता आपका डी होगा जो एन स्क्वायर फेरेट है। तो इसका राइट आंसर एन स्क्वायर फेरेट होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपको क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये करा है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर उसको क्या कहते हैं, मतलब जब शुद्ध पदार्थ को और मतलब और अलग से अशुद्धि पदार्थ उसमें मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे रिफाइनिंग कहते हैं, इचिंग कहते हैं, मेटालाइजेशन, डोपिंग। तो यहाँ पर आपका डोपिंग होता है, मेटालाइजेशन, इचिंग आपको यहाँ पर बताना है। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं, तो डी राइट आंसर होगा, डोपिंग कहलाएगा इसका राइट आंसर। किरचॉफ का धारा नियम लागू होता है, क्या होता है आपको बताना है, क्लोज्ड लूप में, एक जंक्शन में, एक मेस में, एक ओपन सर्किट में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी, जंक्शन में होता है। किरचॉफ का धारा नियम लागू हमेशा जंक्शन से किसी बिंदु से किसी संधि से जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी जंक्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है धारिता की इकाई क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, फेरेट के, नैनो फेरेट के, पिको फेरेट। यहाँ पे आपको सिर्फ नैनो पिको इससे नहीं घबराना है, ये हर चीज़ में आ जाता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा, नैनो फेरेट भी होगा, पिको फेरेट भी होगा और फेरेट भी होगा। तो धारिता का यूनिट आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा डी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक श्रेणी में आरसी प्रपथ में 1 किलो मतलब ओम प्रतिरोध तथा 2 माइक्रोफेरेट का संधारित्र लगा है, समय नियंत्रक होगा। तो यहाँ पे समय का यहाँ पे पूछा गया, आरसी मतलब प्रपथ में, एक आरसी प्रपथ श्रेणी की तरफ एक आर बिंदु है, एक सी बिंदु है, उसके 1 किलो ओम प्रतिरोध के आर की वैल्यू यहाँ पे 1 किलो ओम दे दिया गया है तथा फेरेट यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेट का संधारित्र लगा है। तो समय नियंत्रक है, तो इसका राइट आंसर, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये करके दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं इसका पूरी सॉल्यूशन करके बताऊंगा, इसलिए कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा और आपको ज़्यादा समय लगेगा पढ़ने में और आप बोरिंग होंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं तो मैं इसका इस वीडियो में कमेंट में करके या मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा इसका तो उसमें बता दूंगा। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन इसलिए इसको करना पड़ेगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये क्या कर रहा है, 24 आपका परमियंस का विलोम होता है, क्या होता है, रिलक्टेंस के, परमेबिलिटी के, रिलक्टिविटी के, एमएफ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रिलक्टेंस होता है परमियंस का उल्टा, ठीक है, रिलक्टेंस होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का परमियंस का व्युत्क्रम होता है चाहे विलोम होता है तो वो होता है रिलक्टेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 आपसे ये कर रहा है, यदि 2 कुंडलियां जिनका स्वप्रेरकत्व तो 4 mA तथा NaNH दोनों के बीच युग्मन गुणांक 5 इनके थे अन्य प्रेरकत्व तो होंगे, तो यहाँ पर आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी ऐसे नहीं आएगा, तो इसका भी करके मैं इस दोनों का कौन सा 25 और क्वेश्चन नंबर 23 थी दोनों का करके मैं बताऊंगा और इसका ज़रूर बताऊंगा भाई अगले वीडियो में, क्योंकि इसका ज़्यादा न्यूमेरिकल है, इसको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ भी इस पर मैं बताना चाहूँ तो आप बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन जो लंबा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए, यह क्या कर रहा है, कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यदि उसका फ्लक्स इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, सडनली बिटवीन 0 हो जाए। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर इंक्रीज रहेगा तब आपका विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा जब उसकी स्थिति होगी। तो सॉरी उसके लिए फ़ोन आ गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है कभी भी जब फ्लक्स उत्पन्न होगा तभी होगा, नहीं कि फ्लक्स से नीचे है, तो फ्लक्स उत्पन्न होना चाहिए। तो उत्पन्न होने के लिए क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डिक्रीज होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, इंक्रीज होगा तभी आपका वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्वेश्चन नंबर 26 का। तो चलिए क्वेश्चन को अब समाप्त करते हैं, इतना तो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 25-23 मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका हल करके आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो बने रहना वीडियो को, इसी तरह चैनल पर रोजाना वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और एक बार और मैं आपको बता दूँ, अगर तक सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लें। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलेंगे। तो चलिए।